वाराणसी से हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जाएंगे। सपा नेता आजम खान से मिलने जाएंगे अजय राय। सीतापुर जेल में बंद है पूर्व मंत्री आजम खान। आज 11 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों की टीम मिलेगी। लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सीतापुर जाएंगे नेता। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जाएंगे। तो ये वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जाएंगे। सपा नेता आजम खान से मिलने अजय राय जाएंगे। सीतापुर जेल में बंद है पूर्व मंत्री आजम खान। आज 11 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों की टीम मिलने जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, सपा नेता आजम खान से मिलने जाएंगे अजय राय। सीतापुर जेल में बंद है पूर्व मंत्री आजम खान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कफील हमसे जुड़ चुके हैं। कफील, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जा रहे हैं सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? पहले रामपुर जेल से सीतापुर में शिफ्ट किया गया था, जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है उनको दूसरी जेल में, और जो उनकी पत्नी है उनको रामपुर जेल में ही रखा गया है। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो आजम खान से मिलने आज सीतापुर जेल जाएंगे। अजय राय का कहना है कि ये आजम खान एक बड़े नेता हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, यही वजह है कि उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भुनाने में लगी है, अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ खींचने में लगी है, उससे भी इस पूरी मुलाकात को जोड़ते हुए देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आजम खान की जेल शिफ्ट हुई है, उसके बाद अजय राय ने यह ऐलान किया था कि वो सीतापुर जेल जाएंगे, आजम खान से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, और जो उनके साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज अजय राय सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2024 का चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आजम खान जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट को लेकर कांग्रेस काफ़ी चिंतित भी है। वो चाहती है कि इस बार जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसमें अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करे, क्योंकि आजम खान को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आरोप लगाती रहती हैं कि आजम खान के लिए उनकी पार्टी नहीं खड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाते हुए आज अजय राय सीतापुर पहुँचेंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। कफील, अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह से खींचातान देखने को मिली है, उस बीच ये मुलाकात, क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाएं, किस तरह से इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच में मध्य प्रदेश की सीट को लेकर तलखी शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार बयानबाजी भी जारी रही। अब अजय राय ने जब आजम खान से मिलने का ऐलान किया है, उसको कहीं ना कहीं इन सभी जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, उससे जोड़ते हुए देखा जा रहा है। अजय राय ने भी बयान दिया था कि आजम खान एक अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने समाज के लिए काम किया है, लेकिन उनके साथ सरकार ज्यादती कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उसको सीतापुर से बसंत हमसे जुड़ चुके हैं। बसंत, देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि आजम खान से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जा रहे हैं, तो कब ये मुलाकात होगी, उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।